हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चिचिन्हा का कलौजी बना के दिखाऊंगी। चलिए दिखाते हैं। उसके लिए मैं सामान ले ली हूँ सर। ये है धनिया, खड़ी धनिया, मेथी है, इसमें सब खड़े मसाले लगते हैं। इसको हम भून के पीसेंगे। मेथी है 1 चम्मच, बड़े चम्मच से 1 चम्मच है। सौंफ, सरसों, काली सरसों, ये जीरा, ये 2 इलायची है, ये मरीच है 10 दाने, और ये मैं नमक पीस के रख ली हूँ। इसमें धनिया, अदरक, मिर्ची और नमक, ये तीनों मिक्सर है। इसको मैं पीस के रख ली हूँ। इसको पीसने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे। चलिए हम भूनते हैं और इसको हम छील के काट लेंगे। हमारे यूपी में इसको चिचिन्हा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चिचिन्हा इसको बोलते हैं और गुजरात में इसको परवल बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें डालूँगी खड़ी धनिया। पहले धनिया हम भून के निकालेंगे, उसके बाद सब भूनेंगे। धनिया हमारा भून के रेडी हो गया है। ये जब हो जाती है तो खुशबू इसमें से बहुत अच्छा आता है। इसे हम एक थाली में निकालेंगे। इसको मैं थाली में निकाल ली हूँ। अब मैं भूनूंगी सौंफ, जीरा, ये काली मिर्च और छोटी इलायची 2 है, इसको भी साथ में ही भून लेंगे। ये जल्दी हो जाता है। ये हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। अब भूनेंगे सरसों। सरसों बहुत जल्दी हो जाता है, ये चटक जाए पूरा समझ लो सरसों हो गया। अब हम भुनेंगे मेथी। मेथी ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम निकाल लेंगे इसको। ये भी ब्राउन हो गया है, हम निकाल लेंगे इसको। ये भून के रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ज़्यादा गर्म हमको नहीं पीसना है, नहीं तो मिक्सी ख़राब हो जाएगी। मसाला हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसको छीलेंगे। छीलने से छील के और इसको हम धो के तब काटेंगे। इसको मैं छील के धुल ली हूँ और अच्छे से कपड़े से पोंछ दी हूँ। एक साफ़ कपड़े से पोंछ देंगे हम और इसको हम इतने बड़े साइज में कट करेंगे। ताकि मसाला भरा जाए। इसको मैं ऐसे फाड़ के रख लूंगी। ये कट गया है, अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। इसमें मैं सब मसाला डाल दी हूँ। मसाला मैं पीस ली हूँ, आप देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से पीस गया है। जितना मसाला हमको सब्जी में आएगा उतना मसाला हम निकाल लेंगे और बाकी स्टोर करके आप रख सकते हैं। ऐसे जब सब्जी बनाएंगे या आलू की कलौजी, बैंगन की कलौजी, करेले की कलौजी, आप यही मसाला आप सब में भर के बना सकते हैं। जितना मसाला लगेगा मैं उतने में ही नमक मिलाऊंगी और बाकी सब
इतना बचा है स्टोर करके रख दूंगी। अब इसमें मैं ये नमक पिसा हुआ और 1 चम्मच आम का अमचूर भी हम डाल देंगे। अमचूर कलौजी में ज़रूर पड़ता है। और हम नमक सब्जी के अनुसार ही ऐड करेंगे, जितना नमक जितना सब्जी हमारा है उतना ही हम लेंगे। और हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम एक एक में भरते जाएंगे थोड़ा थोड़ा मसाला। सारा मैं भर ली हूँ। अब मैं एक रील का धागा ली हूँ और इसको मैं इसमें धागा लपेट दूंगी ताकि हमारा मसाला बाहर निकल के ना आए और ये खाते वक्त धागा निकल जाएगा। इसको बांधेंगे नहीं, इसे लपेट के बस केवल रखेंगे। सारा लपेट लेते हैं। वैसे ये पानी छोड़ता है ना, ये इसका मसाला सब बाहर आ जाता है, इसीलिए हम इसमें धागा लपेट देते हैं। मैं धागा लपेट ली हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए बनाते हैं। गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। सरसों के तेल में कलौजी बहुत अच्छी बनती है। ये कलौजी ज़्यादा तेल नहीं सूखती, ये तो पानी ही छोड़ता है, इसलिए हम इसमें कम ही तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। सब्जी से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अब इसको मैं एक एक करके ऐसे डालती जाऊँ। एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। ऐसे हम थाली से ढक देंगे। इसे मैं धीरे धीरे पलटूंगी। स्लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, धीरे धीरे पलट 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 के। ऊपर का नीचे हो जाए, नीचे का ऊपर हो जाए, ऐसे हो जाए अच्छे से। आपको हम दिखाते हैं खोल के, खोलो ये भी पकी है कि नहीं। एक तरफ की पक गई है, एक तरफ अभी बाकी है और ये धीमे धीमे ही पकती है। ज़्यादा जल्दी से इसको नहीं पकाते, एकदम धीमे ही फ्लेम पे। थोड़ा थोड़ा बाकी है, बस 2 मिनट में पक जाएगा। कलौजी बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।